भाई मैं अंदर बैठे हुआ था, मैं लंच लाने के लिए बिरयानी ला रहे बाहर निकला, सोते पे ऊपर के लाइट्स नीचे गिरे, फ्रिज को आग लगी, एकदम लगी। मैं देखते फौरन भाई बाजू वालों भाई को आवाज़ दिया, तो आए तो आके पूरा पारी डालना शुरू करे भाई। उसमें कुछ भी गलती नहीं थी भाई, वो लाइट्स और फ्रिज को आग लगी। हुआ कैसा ये? शॉर्ट सर्किट है भाई। अब हुआ कैसा रहे भाई, वो लैपटॉप वो सब पड़े हुआ था भाई, कुछ भी पकड़ा करना चल रहा नहीं था। टाइम एक 45 मिनट्स पहले हुआ भाई, 30 मिनट्स ओवरडोज है भाई। फायरिंग गन टाइम पे आए क्या? 15-20 मिनट लगे। कब तक है दुकान अभी? 1 मंथ हो रहा भाई। कितना लॉस हुआ इसमें आपको भाई? 4-5 लाख से कितना हुआ कि भाई 5 लाख जाने नुकसान कुछ हुआ किसी को? नहीं नहीं हुआ भाई। मैं बाहर निकलते तो आग लगी भाई, पूरा जल गया भाई। आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 18 तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन जैसा कि जानते हैं आप, शहर हैदराबाद में आतिश सिसकी के वाक़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही की वजह से आप देख सकते हैं अभी मल्लापल्ली रविंद्रा भारती स्कूल के सामने ओवरडोज होटल में एक आतिश सिसकी का वाक़ पेश आया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, फायरिंग गन भी टाइम पर पहुँच के आपको काबू में कर लिया। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट इमरान खान के साथ, कैमरामैन शौकत के साथ। कोई चाहिए कोई नहीं चाहिए।